आलिया भट्ट अभी मेट गाला 2024 से होकर लौटी हैं, अब वो अपनी अगली फिल्मों की तैयारी में लग चुकी हैं। पिछले दिनों उन्होंने जिगरा की शूटिंग खत्म की है, उसके बाद वो YRF स्पाई यूनिवर्स की फीमेल सेंट्रिक स्पाई फिल्म पर काम शुरू करेंगी। इसके लिए आलिया लगातार ट्रेनिंग कर रही हैं, उसके बाद वो संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर चालू करेंगी। बेसिकली आलिया की स्पाई फिल्म तय करेगी कि स्पाई यूनिवर्स का टाइमलाइन क्या रहने वाला है, क्योंकि आलिया वाली फिल्म के बाद ही पठान 2 पर काम शुरू होगा जो कि वॉर 2 के बाद रिलीज होगी। फिलहाल आलिया की अगले 12 महीनों की शूटिंग टाइमलाइन सामने आई है। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक आलिया भट्ट अपनी अगली एक्शन फिल्म की तैयारी कर रही हैं। इस फिल्म को द रेलवे मैन फेम डायरेक्टर शिव रवेल डायरेक्ट कर रहे हैं। आलिया भट्ट ने यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की तैयारी के लिए 2 महीने का समय मांगा है। इसमें वो सुपर सोल्जर के रूप में नजर आएंगी। आलिया एक्शन एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग ले रही हैं, साथ ही वो इस फिल्म की जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। फिल्म की शूटिंग जुलाई 2024 में शुरू होने की संभावना है। फिल्म का टाइटल अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म का शेड्यूल 4 महीने लंबा है। इसकी शूटिंग भारत समेत कई दूसरे देशों में होगी। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक खत्म हो जाएगी। स्पाई यूनिवर्स के बाद आलिया संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर पर जुटेंगी। उसी रिपोर्ट में आगे बताया गया, आलिया लव एंड वॉर की शूटिंग 2025 से शुरू करेंगी। ये आलिया की लेटेस्ट कॉल शीट है। वहीं लव एंड वॉर के लिए रणबीर पहले ही शूटिंग शुरू कर देंगे। इस शेड्यूल में वो अपने अकेले वाले सीन्स की शूटिंग करेंगे और जुलाई में रणबीर अपनी फिल्म रामायण की शूटिंग खत्म करेंगे। इसके बाद ही वो लव एंड वॉर की तैयारियों में लग जाएंगे। लव एंड वॉर में रणबीर आलिया के साथ विकी कौशल भी नजर आने वाले हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि लव एंड वॉर एक लव ट्राइंगल फिल्म है। फिल्म एक्शन लव स्टोरी है। इसमें रणबीर कपूर एक आर्मी मैन के रोल में नजर आएंगे। उनका किरदार थोड़ा ग्रे शेड लिए होगा। एनिमल में रणबीर की परफॉर्मेंस देखने के बाद संजय ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था। खैर, टाइगर 3 के बाद स्पाई यूनिवर्स के लिए आदित्य चोपड़ा के सभी प्लान्स बदल गए। पहले टाइगर 3 के रिलीज के बाद आलिया वाली फिल्म बननी थी, उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान पर काम शुरू होना था, मगर अब चीजें बदल गई हैं। टाइगर वर्सेस पठान का काम फिलहाल के लिए रोक दिया गया है, उसकी स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून किया जा रहा है। आलिया वाली स्पाई फिल्म पूरी होने के बाद शाहरुख खान स्टारर पठान 2 पर काम शुरू होना है। अब YRF स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन कुछ ऐसी होगी, पहले वॉर 2 आएगी, उसके कुछ महीने पहले या बाद आलिया की स्पाई फिल्म रिलीज होगी। इसमें उनके साथ शर्वरी वाघ और बॉबी देओल भी काम कर रहे हैं। आलिया की फिल्म में जो भी होगा, पठान 2 की कहानी उसके बाद घटेगी। पठान 2 का शूट 2025 के आखिर में शुरू हो सकता है, ताकि उसे 2026 की शुरुआत में रिलीज किया जा सके। पठान 2 के बाद टाइगर वर्सेस पठान बनेगी, जिसे 2027 में रिलीज किया जा सकता है। तो ये थी वो पूरी टाइमलाइन जो हमने आपको बताई। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी शशांक ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।